भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? देखिए, हमें मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद में भारी मात्रा में अवैध गांजा जो है वह कुछ लोग लेकर आ रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर सभी टीम्स को इसमें एक्टिव किया गया था, सर्विलेंस टीम, स्वॉट टीम और सभी जनपद की टीमों का गठन किया गया था और हाई स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कल श्रीनगर पुलिस में एक बोलेरो पकड़ी गई। इस बोलेरो के बेस में छुपाकर उसको जब खुलवाया गया तो उसके अंदर से 61.9 केजी अवैध गांजा रिकवर हुआ है, जिसमें चार लोग पकड़े गए हैं, पवन कुशवाहा, कंधीलाल कुशवाहा, पुष्पेंद्र यादव व पवन कुशवाहा, ये सभी यहाँ महुआ जनपद के ही रहने वाले हैं। और इनके पास से जो एक बोलेरो कार जो मिली थी जिसमें यह पाया गया था गांजा, उसमें भी फर्दर और दूसरी नंबर प्लेट भी प्राप्त हुई है। और ऐसा पता चला है कि ये लोग इस बोलेरो को इन अवैध गतिविधियों के लिए यूज़ करते थे। जिस भी स्टेट में ये जाते थे वहाँ पर ये नया नंबर प्लेट लगा लेते थे। इस तरह के बहुत ही शातिर ये लोग हैं और बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें है। मेरा पुलिस द्वारा इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इनमें से अभी तक इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करी जा रही है, अभी तक ये सामने नहीं आया है। अभी इसके बारे में जानकारी करते हुए मैम, ये गांजा कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे थे, कहाँ सप्लाई करना था इनको, कहाँ से लेकर आए थे? इनसे जो अभी फर्स्ट पूछताछ हुई उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ओडिशा प्रांत से इस तरह के गांजा लाए थे और इनका मकसद यहाँ पर ये 12 से 15 हज़ार रुपये में इन्होंने पर किलो इसको रिकवर किया था और इसको ये जनपद और आसपास के जनपदों में लगभग 20 से 25 हज़ार के रेट में इसको बेचने की फिराक में थे। और इसकी मार्केट की कीमत अगर बेचने के हिसाब से देखें तो वह 16 लाख है, अगर खरीदने के हिसाब से देखें तो 8 लाख के करीब ये गांजा जो है रिकवर किया। कब से कर रहे हैं मैम ये लोग ये काम? इनसे भी बातचीत फर्दर की जा रही है, जितने भी इनके फर्दर लिंक्स भी हैं उनको भी इसमें इस्टेब्लिश किया जाए। मैम, पूर्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से बड़ी खेप पकड़ी गई थी, क्या उनसे इनके तार कहीं से लिंकअप हो रहे हैं? सारी चीज़ें जो हैं विवेचना का विषय है और विवेचना में इन सबको फर्दर कार्रवाई की जाए। थैंक यू।